नमस्कार दोस्तों, सुरेखा नीटिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वाला पैटर्न मैं लेकर आई हूँ, बच्चों के स्वेटर में बहुत प्यारा लगेगा। दो कलर का पैटर्न है और चार फंदों पर ये डिजाइन डलता है और चार सिलाई में ही कंप्लीट हो जाता है और बहुत इजी है और बहुत प्यारा है। तो इसमें फंदे तो किसी भी हिसाब से आप डाल सकते हैं, चार का मल्टीपल इसमें चलता है। तो टू के मल्टीपल में, चार के मल्टीपल में आप इसमें फंदे डाल लीजिएगा। तो आइए दोस्तों बुनकर देखते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये मैंने इसमें 24 फंदे डाले हैं और दो सिलाई मैंने इसमें उल्टे उल्टे की बुन दी है, उल्टी इधर से उल्टी ही उधर से। ये बेस बनाने के लिए मैंने इसमें बुनी है, आगे ऐसी सिलाई इसमें नहीं बुनी जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दूसरे वाला कलर और पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तीन फंदे हमें रेड कलर के बुनने हैं सीधे और एक फंदा ये वाला स्लिप करना है व्हाइट वाला, फिर तीन फंदे रेड कलर के बुनने हैं, एक फंदा स्लिप करना है, पूरी सिलाई वैसे ही आएगी। तीन फंदे रेड, एक स्लिप करेंगे, तीन फंदे रेड, एक स्लिप करेंगे, तीन फंदे रेड और ये एक फंदा स्लिप करेंगे। ये देखिएगा उल्टी साइड से हम दूसरी सिलाई बुन रहे हैं, ये भी सेम आएगी, ये उल्टे फंदे बुने जाएंगे रेड और ये स्लिप होगा। तीन फंदे रेड बुनेंगे और ये फंदा स्लिप होगा, तीन फंदे रेड बुनेंगे, ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ पूरी सिलाई। तीसरी सिलाई पर हैं। अब हमें क्या करना है, व्हाइट कलर में ये फंदा हमें फर्स्ट वाला फंदा उल्टा बुनना है और धागा उधर करेंगे, बीच वाला फंदा सीधा, फिर धागा इधर करेंगे, ये वाला फंदा उल्टा, फिर धागा उधर करेंगे और ये वाला फंदा सीधा। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा आएगा, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है ये फंदा सीधा आएगा और इसमें से बीच वाला फंदा सीधा आएगा, ये दोनों किनारे वाले फंदे ये और ये उल्टे आएंगे। इस हिसाब से एक फंदा उल्टा और एक सीधा बुनेंगे इस सिलाई में। ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये व्हाइट वाली सिलाई पूरी उल्टी आएगी इधर से, ये मैं बुन देती हूँ। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है चार सिलाई में। अब हमें फिर ये वाला पैटर्न डालना है, वही रिपीट होगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। अब हमें जब हम रेड फंदे बुनेंगे, ये व्हाइट वाला फंदा बीच में लेना है, ये रेड बुनना है, ये रेड बुनना है और ये बीच में लेना है और इसके बीच वाला स्लिप करेंगे। ये आप समझ गए होंगे, मैं इसको बुनकर दिखाती हूँ फिर भी। ये वाला फंदा हमें रेड का बुनना है ये, और ये स्लिप करेंगे, फिर ये रेड का बुनेंगे, ये बीच वाला भी रेड बुनेंगे और ये वाला भी रेड बुनेंगे और ये इनके बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है। ये देखिएगा, ये तीन फंदे रेड, ये वाला स्लिप किया, ये तीन फंदे रेड, ये वाला स्लिप किया, ये तीन फंदे रेड, ये वाला स्लिप।
सेम आएगा, उधर से ये वाले उल्टे बुनेंगे, ये स्लिप होगा, ये मैं बुन देती हूँ पूरी सिलाई। अब हम तीसरी सिलाई पर हैं पैटर्न की। अब यहाँ पर व्हाइट कलर जोड़ेंगे, ये जो हमने स्लिप किया है इसके इधर का भी इसके उधर का भी उल्टा बुनना होता है, तो व्हाइट कलर से इसको हम उल्टा बुनेंगे, धागा इधर करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा इधर, फिर इसको उल्टा बुनेंगे, इसमें से बीच वाला सीधा बुनना होता है, बीच वाला सीधा बुनना होता है, और एक ये स्लिप जो हमने फंदा किया है इसको सीधा बुनना होता है। ऐसे करके हमारा एक उल्टा एक सीधा आएगा पूरी सिलाई में। ये मैं बुन देती हूँ सिलाई पूरी, आपको आ गया होगा ये पैटर्न। ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिएगा। अब हमें ये वाली सिलाई जो होती है, ये एक उल्टी सिंपल बुननी होती है उधर से चौथी सिलाई, बाकी तीन सिलाई में ये पैटर्न कंप्लीट होता है। तो ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ऐसा लगेगा, ये देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें मैंने ये कलर चेंज कर दिया है, यहाँ मैंने जहाँ यहाँ पर मैंने रेड लगाया है और यहाँ मैंने व्हाइट लगाया है, तो आप दोनों में दोनों का कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, आपको रेड में ये यूज करना है या रेड में ये यूज करना है, दोनों में इस तरह लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत डिजाइन है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को ये वाला पैटर्न आप बनाकर जरूर पहनाए। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पैटर्न पसंद आया हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।